तो प्यारी सात संगत जीओ, खास करके पंजाब की सात संगत, अज पंजाब का भंडारा है साईं मस्ताना जी महाराज का। और जिस तरह तुहानू ही वचन किए हैं कि सफाई महाअभियान चाहते हो, खुशियां दुगणिया चौगणिया, हर बार उस तो दुगणिया चौगणिया बढ़िया जाएगी, उस तरह अगर तुम सच्चे मुर्शिद कामिल नाल प्यार करते हो और भंडारे दे चल के आते हो तो हर बार भंडारे दी खुशियां भी दुगणिया चौगणिया तक ही कई गुणा बढ़ के आए बार बढ़िया जानिया हैं, खुशियां मिलदिया रहनिया हैं और बरकत घर जरूर आनिया हैं। मालिक अगे दुआ है और सबनों आशीर्वाद जो अज तुम चल के आए हो। सो ये भंडारा सच्चे साईं का शाह मस्तान शाह सतनाम इको गल उस मुर्शिद कामिल दा जिसने सच्चे सौदे की न्यों रखी, सच्चा सौदा, सच्चा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु और सौदा बिना टोम बिना पखंड बिना दिखावे दिख परम पिता परमात्मा नूं पाउण दा तरीका दस्या जावे, रीत नाल जोड़िया जावे, कुरीतियां तो हटाया जावे, इसे दा नां सौदा है। तुहाडे तों तुहाडे पाप गुनाह बुराइयां लईयां जाण और बदले च अल्लाह वाहिगुरु दे नां दा पास दिता जावे, जिन्ना लाओगे सोना बनदा जाओगे, जिन्ना जाप करोगे गोल्ड बनदे जाओगे। सो ये सच्चा सौदा साई मस्ताना जी महाराज ने बनाया, करना सिखाया, सीधा साधा तरीका, ना किते शरीर के चक्कर च पैना है, ना कोई चक्कर जगाउण दी लोड़ पैनी है, जो कि कई कई महीने चक्कर जगाउंदे रह जांदे हैं और इन्हां चक्करां च ही उम्र टप जांदी, चक्कर ही चक्कर आउंदे रहिंदे, वाहिगुरु तां आउंदा नहीं, ना उहदा प्यार, ना उहदी रहमत, ना उहदी बरकत। सो साईं मस्ताना जी महाराज ने इन्हां सारिआं तों सौखा आसान तरीका दस्सिआ कि सीधे ही दसवें द्वार च ध्यान धर लो, सारे चक्करां नूं अपने आप ही नाम पार करवा देवेगा और इत्थे लै आएगा। और जदों ही तुहाडी आत्मा दसवें द्वार विच पहुंच गई, तुहाडे जो जन्मां जन्मां दे पाप कर्म हन वह कट जाणगे, तुहाडे दिलो दिमाग का शीशा साफ हो जाएगा और तुसीं परवरदिगार दी दया मेरे रहमत दे लायक बनते जाओगे, उहदी खुशियां दे हकदार बनते जाओगे। सो अपने दिलो दिमाग दीआं खुशियां अगर बरकरार रखना चाहते हो, अगर आप यह चाहते हो कि जिंदगी में वो तमाम खुशियां मिलें जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की, वो तमाम सुख शांति मिले जिसका कभी आपने सोचा भी नहीं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन करो। और सुमरन करने का ढंग बड़ा ही सीधा साधा, नाम जब तुसी ले लेने हो, तुसी केड़ी जगह पे हो, की काम कर रहे हो, इहदे नाल कोई मतलब नहीं, की तुसी जीभा नाल तुहाडे ख्यालां नाल परमात्मा नूं याद करदे हो, अगर करदे हो तो वह तुहाडी भगती दरगाह च मंजूर जरूर होवेगी, काल महाकाल भी नहीं रोक सकता। पहले समय च यह कहा जाता सी कि जब तक सुन समाधि नहीं लाते, जब तक समाधि च नहीं जाते तुहाडी भगती मंजूर नहीं होगी। पर साईं जी ने काम ही मुकाता कि जो जीभा और ख्यालां नाल परमात्मा का सच्चा नाम मूल मंत्र गुरमंत्र नाम शब्द कलमा जाप कर लवेगा, उहदी हाजरी उस समय दरगाह च मंजूर कबूल जरूर हो जाएगी। पर बचना ते पक्के रहना बहुत जरूरी है।
अगर तुसी बचना ते पक्के रह के परहेजां दे पक्के हो के चलदे फिरदे काम धंधा करदे नाम जपदे रहने हो तो यकीनन वो नाम भी दरगाह च मंजूर कबूल होना है और अंदर बाहर बरकतां भी तुहानू जरूर मिल जाएंगी। किसी चीज की चिंता नहीं रहनी। सो ऐसे साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने साडे लिए वो गैबी खजाना एक खेड़ बना दिता कि तुसी रब का नाम जपो उहदी भगती करो तुहानू अंदरों बाहरों कोई कमी नहीं हो रहनी। ऐसे मस्ताना शाह दाता रहबर इस दुनिया ते आए और लोगों नूं प्यार नाल समझाया बड़े तरीके नाल समझाया पखंड तो दिखाव्यां तो दूर कर दिता। जरूरत नहीं पैदल चल के आउण दी, जरूरत नहीं भेष बदलन दी, जरूरत नहीं घर बार छड़ के जंगलां च डेरे लाउण दी। अपने बाल बच्चे परिवार च रहो, अपनी गड्डी ते बस मोटर च गड्डी ते जिद्दां मर्जी सत्संग ते चल के आओ और आके सुनो, सुन के अमल कमाओ तो यकीनन तुहाडे दोनों जहानां च नाम दर्ज होवेगा, तुहानू दोनों जहानां दीआं बरकतां नसीब हो जाणगीआं। आदमी कदे संतुष्ट नहीं हुंदा, आदमी दीआं छावां बदियां जांदियां हन। परमात्मा एक रहमत कर देवे आदमी भुल जांदा है। सैकड़े रहमतां इस कलयुग विच लोगां नूं भुलदे देखिया है, वो पर उपकारां नूं भुला दिंदे हन। पर हैरानी देखो कि सतगुर अल्लाह वाहिगुरु राम फिर भी उन्हां नूं कदे नहीं भुलाउंदा, हमेशा याद रखता है। अगर इस जहान च कोई उसनू नहीं मनदा तो अगले जहान च जिथे लोड़ पैनी है वह आ खड़ा हुंदा है। ठीक है किसी ने पाप कर्म किए हैं, किसी ने बुरे कर्म किए हैं, उसकी सजा तो उन्होंने रूहानी मंडलों च भयानक मिलनी है, पर जन्म मरण के चक्कर च पूर्ण सतगुर अपनी आत्मा नू नहीं उजाण दिंदा। वो एक बारी जिसका हाथ फड़ लवे, दूजे शब्दों च अगर कोई उसनू एक बारी अपना हाथ फड़ा देवे जिन्ना मर्जी छुड़ाना चाहे दोनों जहानां च वो सच्चा गाइड बन के उहदा हाथ पकड़ी रखता है और हर मुश्किल परेशानी तो उन्हों बचाउंदा रहिंदा है। आदमी गलतियां का पुतला है, पर इहदा मतलब यह नहीं कि गलती ते गलती करके शैतान बन जावे आदमी। अनभोलपणे च भुलेखे नाल खाधा पीता जाता है, कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो आत्मा ते बोझ लगती है। सत्संग विच जीव आवे जरूर उसकी मुआफी मिल जाती है और फिर तो सिमण करता है, फिर तो नज़ारे आने शुरू हो जाते हैं। पर कई गलतियां ऐसा होंदियां हैं जो अनजाणपुणे च नहीं हो सकदियां। मास शराब अनजाणपुणे च हो सकता है, पर तीजा परहेज करैक्टर वह तो अनजाणपुणे च हो ही नहीं सकता। तुसी वचन तोड़दे हो तुहानू सब पता हुंदा है, तुहाडा मन तुहाडा गुरु बनिया बैठा हुंदा है, उस टाइम तरह तरह के ख्याल दिंदा है, तरह तरह के विचार दिंदा है और इंसान नूं यह दस दिंदा है कि जो तू करेगा वो सही है, जो तू नहीं करेगा वो गलत है। सो मन दे हथी मजबूर होके इंसान हमेशा बुरे कर्म करता है। फिर उपरों भगतां वाली चाल भेड़ अगर शेर की खल पा ले तो शेर नहीं हो बन सकती, एक कहावत है। उस तरह जो बचना की काट करते हैं
ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਵਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮੋਗਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਸਦਾ ਖੇਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਖਾਲਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਰੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਮ ਹਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂਰੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਚੌਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਸਿਆਉਣਾ, ਬਣ ਜਾ ਸਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣੂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ। ਸੰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਠਲ ਜੋ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾ ਸਿਆਉਣਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ ਬਣ ਜਾ ਸਿਆਉਣਾ। ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਦੋ ਘੰਟੇ, ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ, ਅੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਤੰਦਰ, ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੋਹਾ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਣ ਜਾ ਸਿਆਉਣਾ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਉਣਾ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਣ ਜਾ ਸਿਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਆਉਣਾ ਬਣੂੰਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਾਪ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਿਆਉਣਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾ। ਸੰਤ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾ ਸਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿਆਉਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਣ ਜਾ ਸਿਆਉਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿਆਉਣਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿਆਉਣਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂਡਵ ਨਚਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਿਆਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਜੂ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਲਦਾ ਹੈ।
वचन तोड़न वल दबलदा है, निंदिया चुगली वल भेजदा है, और तुसी बड़े अपने आप नूं बन के चौड़े होके मन दे पिछे लग के वचन प्रकच्चे उड़ा दिंदे हो। पिछों पश्चाताप भी आउंदा थोड़ी देर लई, पर मन तां विच ही हुंदा। उह कहिंदा कुछ नहीं हुंदा, माफी लेनी जाके फिर की हो गया, किहड़ा आसमान थले आ गया, आए आसमान थले आ जांदा है। फिर वह खुशियां आने ते पता नहीं कितना समा लगता है। इसलिए बचन तोड़ना माहौल ना समझा करो, इससे मसा थोड़ी भगती इस कलयुग पूरी होने वाली हुंदी है कि तुसी मन दे हत्थे चढ़ के माया दे हत्थे चढ़ के मजबूर होके बचन तोड़ देंदे हो। माया दे दो रूप ये भी हैं, अप्रत्यक्ष स्त्री और पुरुष, नर और मादा, ये भी माया है। नर नू मादा आकर्षित करती है और मादा नर नू मादा और मादा नू नर, एक दूजे नू जो उन्हां चक्करां च पै के आदमी बचन तोड़ दिंदा है, फिर खुशियां आउण च बहुत समा लग जांदा है। खाने पीने च अनजाण गलती हो गई, माफी ले लैंदा, तुरंत शुरुआत हो जाती है खुशियां की थोड़ी देर च, क्योंकि अनजाण पुणे च हो गया। पर इको ही गलती ऐसी है जो अनजाण पुणे च कदे हो नहीं हो सकती, चाहे मनो चाहे ना मनो। इसलिए एक गलती कदे ना करया करो हरामखोरी। सतगुरु मौला तो दुआ मंगो, उसकी रजा च रहन की शक्ति मंगो, सेवा करो, सिमरन करो, ताकि वह सारिया खुशियां तुहाडे अंदर तुहानू मिल सकन। मालक दे अगे अरदास करदे होए जो अगे वध्या करदे हन, मालक तो मालक नू मंगया करदे हन, वह परम पिता परमात्मा उन्हां नू किसे तरह की कोई कमी नहीं छड़दा। इसलिए भगत जनों, मालक नू पाउण लई, परम पिता परमात्मा नू पाउण लई तुसी हमेशा जतनशील बने रहो, सिमरन करदे हो, बचना च गलती नहीं करी, बहुत भागां वाले हो। तुहाडे आउण वाले पहाड़ जैसे कर्म परमात्मा बिना दसे ही चुटकियां च उड़ा दिंदा है, तुहानू पता ही नहीं चलदा। कदे गिला शिकवा ना करियो, इन्नी देर हो गई सेवा करदे नू यार दसवां द्वार तां खुल्लिया नहीं, वो थोड़े बाहरले दरवाजे इन्ने हैं कि खुले कितों, कदे गड्डी मंग ली, कदे घोड़ा मंग लिया, कदे गां मंग ली, कदे पुत मंग लिया, कदे दुध मंग लिया, आ गेट बंद होणगे तां दसवां खुलू। सारा टाइम तां डिमांड खड़ी रहिंदी है, मैनू आ चाहिए, मैनू वह चाहिए, पुत मिल गया फिर कहिंदा पोता, फिर पड़ोता, फिर उत्तों गाला खड़ोता, पता नहीं किहड़ा, थोड़ी कोई सीमा ही नहीं है। फिर दसवां द्वार किवें खुल जी? ये खोलन लई तां रब तो रब नू ही मंगना पैंदा, बाकी चीजा हो सकदा है वो तुहानू अजमावे, कुछ भी ना देवे बाकी चीजा, फिर तुहाडी पूछ चक्की जानी है यार रब दिंदा तां कुछ भी नहीं, एवें ही भगती करी जाइए, फिर नहीं दसवां द्वार खुलता। सो बाहर जिहड़ा भी तुसीं कम धंधा करदे हो उहदे च बरकतां मंगो मालक तो, पर ज्यादातर ओम हरी अल्लाह वाहिगुरु का जो नाम जपो तो उस मालिक तो मालिक नू मंगया करो, ताकि तुहानू सारियां बरकतां अपने आप मिल जाएगी। एक गल तुहानू कई बार सुनाया करते हैं, अज फिर तो लास्ते तुहानू गल सुनाते हैं। एक राजा सी, सच्ची गल है, राजा सी और उसने खुश हो गया हो किसी गल ते, अपना किले का जिहड़ा मैदान सी नुमाइश ला दिती, जो भी उहदे कोले समान सी सूई तो लैके हाथी तक सारा समान दुकाना बना दित्तियां, घोड़े हाथी ऊठ तलवारा हीरे मोती लाल जवाहरात सब कुछ रख दिता, चंडोरा पिटवा दिता, अनाउंसमेंट करती भी परजा आवे एक बारी जिहड़ी दुकान ते वगी दूजी बार दूजे ते नहीं जाना, और जिस दुकान ते बग गए एक बारी जो समान ले लिया दूजी बार नहीं लेना, समान जो तुसी ले जा सको खिंच के उठा सको उन्ना ही ले जा सकते हो। लोग आउण लग गए, कई कोले आटा नहीं सी बेचारे आटे वाली दुकान च वड़ गई, कई घोड़िया के शौकीन से वह घोड़िया वाले पासे चले गए, हाथी वाले हाथियों वाले ऊठ वाले ऊठ वाले पासे, कपड़ा जी दे कोल नहीं सी कपड़े वाले पासे, कई बेचारे भोले भाले मंजे नहीं सी मंजे वाले पासे चल पे,
ਵੀ ਦੋ ਮੰਜੇ ਚਾਰ ਮੰਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ। ਕਈ ਚਲਾਕ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਹੀਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂੰਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਆ ਸਮਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂ ਮਚਾ ਰੱਖੀ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂ ਜਿਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸੋ ਭਗਤੋ, ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ, ਨੋਟ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਬ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਊਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਓਮ ਹਰੀ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾਓ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ, ਇੱਕ ਕੌਰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਖਾ ਲਏ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਯਾਰ, ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਸ ਅਜੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੁਰਕੋ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਸੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਟੜਦਾ ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ। ਮਨ ਚੰਦਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ। ਕਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਣ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਕਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੋ, ਸਿਮਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮਰਾਜ ਔਰ ਕਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਲਿੱਪ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਲਿੱਪ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਪੜੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜਾਂ ਹੈ ਕੋਈ?
वो ग्रीनेस वाला हाथ मार रहा कि एक है बेटा यहां उधर नहीं इधर इतने हाथ मारे ऐसे बिल्कुल दो हैं और पैनाले पासे कोई रह गया भाई तो हाथ हलाओ बेटा निगाह मारे भाई सच देखो बेटा नहीं है कोई क्यों भी तो नजर आया कोई नहीं है सो पैनात शायद इस मामले च अगे निकल गया हन सो बहुत अच्छी बात आशीर्वाद बेटा शाबाश बहुत बढ़िया और मालिक खुशियां भी चढ़ के देवे सो तुसी बेटा जोर दी नारा ला के बैठ जाओ जितना सिमरन किया दरगाह च मालिक सेवा सिमरन सत्संग दा फल बच जा के तुहानू देवे संगत नू खुशियां बख्शे आशीर्वाद सो बैठ जाओ बेटा आशीर्वाद हाँ जी पर्चियां स्लिपां पढ़ो जल्दी जल्दी धनन सतगुरु तेरा ही आसरा इन्होंने नाम नहीं लिखा पूजा गुरु जी सूरत और नीरत दोनों एक साथ खुलती है या आगे पीछे यदि सूरत सुनने की पावर खुली है तो नीरत को खुलने में कितना समय लगता है भाई आप लगातार बैठ के सुमण करो यहां ध्यान जमा के सूरत नीरत के चक्कर में ना पड़ो ये सच्चा सौदा ऐसा सौदा है बस यहां ध्यान और आंखें बंद सुमण में लग जाओ अपने आप ही सारी सेटिंग मालिक ऑटोमेटिक कर देगा जैसे कंप्यूटर में एक बटन दबा दो अपने आप सेटिंग होती चली जाती है आप सूरत नीरत के चक्कर में ही नहीं पड़ोगे एक बटन दबा दो अपने आप ही सेटिंग कर लेगा वो जैसे उसको चाहिए 17 मिनट से पूजकता जी देवता और मनुष्य में क्या अंतर है यदि मोक्ष प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही संभव है तो मनुष्यों को देवता की तुलना में साधारण क्यों समझा जाता है इसलिए कहा जाता है कि वो अच्छे कर्म करते हैं वो ड्यूटी पक्के तौर पे निभाते हैं वो ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ते तो इसलिए कहा जाता है कि आप तो इंसान है और आपकी ड्यूटी परमात्मा को पाना है जो अच्छे कर्म करने लग जाए भगवान की तरफ बढ़ने लग जाए उसे कहते हैं ये तो देवता है यानी अच्छे कर्मों में लगन से बढ़ता जा रहा है अदरवाइज आदमी को ही मोक्ष मिल सकता है देव को महादेव को मोक्ष मुक्ति संभव नहीं है ये धर्मों में लिखा हुआ है प्रदीप इंसान बटरलाइन से पूजा पिताजी गुस्सा नहीं करने का प्रण किया है जैसे छोटे बच्चों को गलती पर डांटते हैं तो क्या उनके भी पैरों को हाथ लगाना है या वो गुस्सा जायज है छोटे बच्चे को टीचर लेक्चरर अगर डांट देते हैं माँ बाप डांट देते हैं किसी वजह से कि वो गलतियां कर रहा है मानता ही नहीं तो वो छूट है उसके पांव के हाथ नहीं लगाने वरना तो वो आपके सिर पे चढ़ के नाचेगा सो ये पूरा ध्यान देना है हाकिम इंसान खरड़ से पूछता जी मुझे एक मोबाइल फोन गुम हुआ मिला और आपकी प्रेरणा से मैंने उसे उसके असली मालिक को लौटा दिया आशीर्वाद चाहता जी आशीर्वाद और हमने कहा छोटे बच्चों की अगर गलती हो तो अगर बेबसा आप बिना गलती के उनको डांटते हैं तो फिर सोच लो पांव के हाथ वाला सिस्टम हो सकता है उसको पहले ध्यान दीजिए प्यार मोहब्बत से उनको समझाइए कहीं ये ना हो कि बेवजह ही आप उनको एक के पीछे पड़ जाएं कई बार हमने देखा हम भी पढ़े हैं टीचरों को ये होता है लेक्चरर जो होते हैं कि भाई यार फलाना है ही ऐसा वो तो निकम्मा ही है साइको बन गया वो चाहे कितना ही मेरिट होल्डर बन जाए उसको निकम्मा ही साइको बना रहता है नहीं ये तो है ही ऐसा तो ऐसे पीछे नहीं पड़ना चाहिए हाँ अगर कोई गलती करता है तो एट द स्पॉट उसको आप डांट के रोक सकते हैं प्यार से भी रोकिए कुछ देर नहीं तो फिर ऐसा करना ही पड़ता है दयालचंद इंसान ख्याली वाला से पूजकता जी मैंने 3 साल तो शुगर की बीमारी सी 15 अगस्त 2012 नो मैंने रूबरू नाइट विच परमार्थ किया सी और रूबरू नाइट भी पूरी सुनी सी और उसके बाद आप जी की ऐसी रहमत हुई कि मुझे शुगर की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई जी उसका रहमो करम है यह सब उसकी कृपा है वो जिस पे कृपा करता है अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ता नेपाल से ब्लॉक भंगीदास राम आश्रय इंसान पूजकता जी नेपाल में सात संगत में कुछ भाई बहन नाम भूल गए हैं और ब्लॉक भी वहां पर बनाना है और ब्लॉक रिन्यू भी करना है इसलिए सेवादार भेजने की कृपा करें जी आप नोट कर लें और नेपाल में टीमें भेजें नेपाल में बहुत सात संगत है तो वहां टीमें आएंगी बेटा और नाम भी याद करवाएंगे और जो भी और भी बातें हैं या आश्रम भी आप बनाने का कह रहे थे तो उसके बारे में भी ध्यान दीजिए इन्होंने नाम लिखा पूजकता जी बठिंडा माल रोड में एक्सिस बैंक में आज सुबह आग लगी थी और शास्त्रम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के 102 सेवादारों ने उसी समय मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया सभी आप जी का शाबाश बेटा शाबाश बहुत बढ़िया सेवादारों ये इंसानियत के कर्म करने के लिए शास्त्रम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाया गया है और मालिक आपको बेइंतहा खुशियां दे प्रसाद ले लीजिए शास्त्रम जी गर्ल्स हॉस्टल से प्यारे पापा जी जब हम हॉस्टल में टीवी पर मजलिस सुन रहे होते हैं जब आप जी कोई बुराई छुड़वाने का नारा लगवाते हैं अगर हम उस समय नारा लगा देते हैं तो क्या हमारा नारा लगाकर प्रण लेना मंजूर होता है जी बिल्कुल मंजूर होगा और बिल्कुल उससे खुशियां भी जरूर मिलेगी दिलबाग सिंह एसडीओ मोगा से पूछते जी अगर किसी मुरीद के दिलो दिमाग में हर पल अपने मुर्शिद की याद समाई रहती है तो क्या ऐसा होना सिमरन भक्ति करने के बराबर है जी जी हाँ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं पर साथ अगर सुमण करो तो जल्दी नूरी स्वरूप प्रकट हो सकता है सात संगत कनाडा से पूछता जी आप जी के स्टेज पर आने से पहले आप जी की स्टिल फोटो चलती रहती है अगर उसकी जगह आप जी की वीडियो आ जाए तो बहुत अच्छा होगा फिर बेटा कोई शब्द नहीं सुनेगा वीडियो देखता रहेगा
तो हम चाहते हैं 2-in-1 हो, आप शब्द वाणी भी सुनते रहें और फोटो भी देखते रहें, तो दोनों हमें लगता है ये ज्यादा अच्छा बेटा। गोल्डी इंसान इटली से पूजा जी, जब हम विदेश से कोई विदेशी सत्संग में नाम एग्जाम को लेकर आते हैं तो उसको यहाँ लाने और ठहरने की व्यवस्था करते हैं, तो उस पर जो खर्च आता है क्या वो परमार्थ में आता है जी? जी, अगर बाकी आप उसके महादानों का महादान में आपका वो परमार्थ होता है और उसकी तमाम खुशियां जरूर आपको मिलेंगी, बस वचनों पर रहिए। ये आगे लिखते हैं कि जो मूल निवासी हमारे साथ आए थे उनको नाम शब्द याद नहीं हो रहा, कृपया मार्गदर्शन करें। तो किसी भी आदमी की अगर आप आए हैं या कोई भी यहाँ से ड्यूटी लगवाए और फिर आंगन में कहीं भी पार्क में बैठ के एक एक करके आप उनको याद करवा सकते हैं। जब आप वहां जाएंगे 2 दिन में वहां पे आप उनको याद करवा सकते हैं। यहां से आप पहले अपना नाम चेक करवा के जाएं, ड्यूटी लगवा के जाएं और आप वचनों पे पक्के हों, ये जरूरी है। इन्होंने नाम लिखा पूजा जी, मुझे प्रेगनेंसी थी और पेट में रसोली हो गई है, अबॉर्शन के लिए बोला गया है, मेरा मार्गदर्शन करें। बेटा अच्छे डॉक्टरों की राय लो, अगर दोनों उस बच्चे की लाइफ ही नहीं है और आपकी लाइफ को खतरा है तो आत्मरक्षा अति जरूरी है कि बच्चा अगर बिल्कुल डेड हो चुका है, रसौली है और वाकई अगर ये सब कुछ है तो फिर जैसे डॉक्टर कहें उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, अदरवाइज मालिक की से दुआ करेंगे। राकेश सोनू ओम प्रकाश सुभाष गंगवा ब्लॉक से, आप जी के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर से 26 नाम जाम वाले जीव लेकर आए हैं और ये सभी मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं। इनमें एक मौलवी जी का प्रश्न है कि जैसे कि हमने आज आप जी से कलमा लिया है तो इससे क्या हमारा धर्म चेंज हो गया है क्या, जैसे और लोग इंसान लगा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप मौलवी साहब हैं तो आप अपने नाम के पीछे मौलवी साहब लिख दीजिए, और अगर आप इंसान लिखते हैं, इंसान का मतलब होता है कि हम सब इंसान हैं, जो हमारे धर्मों में लिखा कि हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं और अल्लाह ताला के रहमो करम से उसने हमें बनाया, उसका रहमो करम हम सब में है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा बताने लग जाते हैं, तो इंसान का मतलब है कि हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानेंगे, हम सब मालिक की औलाद हैं और एक ही अल्लाह, हमारा अल्लाह ही सब कुछ है, तो ये अगर आप मानते हैं तो इंसान है, इसलिए इंसान, अदरवाइज आपका जो भी धर्म है वही धर्म रहेगा। यहां आपको बता दें हमारे साथ 5 करोड़ में से लगभग 30-35 लाख मुसलमान भाई जुड़े हुए हैं, विदेशों से, यहां से, पूरे यूपी से, क्या मध्य प्रदेश से, क्या राजस्थान से, क्या पूरे इंडिया से, तो इतनी हमारे साथ लोग हैं, तो वो सबके सब वैसे धर्म में नमाज अदा करो, कोई रोक टोक नहीं, बस आप समय निकाल के इसका भी जो कलमा आपको दिया करके देखिएगा, यकीनन आपकी जरूर खुशियां मिलेंगी और आपके अंदर आत्मविश्वास, रूहानी पावर जरूर आएगी, तो कलमा अदा करते नमाज में भी आपका साथ देगी और ज्यादा खुशियां आएंगी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद आप लोग चल के आए हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला आप पे रहमो करम बरसाए, सो बहुत आशीर्वाद, स्वागत, खुशामदीद, बैठ जाइए, आशीर्वाद। विकास इंसान डीएसएस आईटी विंग से, पूजा जी बहुत सी साथ संगत व्यस्त होने के कारण कई बार समय पर लाइव सत्संग व मजलिस नहीं सुन पाती, ऐसे में अगर आश्रम की तरफ से यह सुविधा शुरू हो जाए कि जिससे आप जी के वचनों की HD रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाए तो साथ संगत इसका भरपूर फायदा उठा पाएगी। नहीं, ये सही नहीं है, सत्संग के टाइम ही अगर सत्संग कोई देखता है उसका फल मिलता है उतना ज्यादा, बाद में वो कम होता चला जाता है, तो ये जरूरी है कि आप लाइव ही देख पाए, रिकॉर्डिंग नहीं। हाँ, अगर उसे रिकॉर्डिंग वचन में करके CD बना के देते हैं तो उसका फल उससे कई गुना ज्यादा होता है। अब कुछ लाइव मैसेज है जी, प्रवीण इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, पूजा जी दिल्ली में कमला मार्केट की SHO सुरेंद्र कौर ने जब GB रोड से 80 लड़कियों को वेश्यावृत्ति की दलदल से निकालकर नई जिंदगी दी जिसके लिए उन्हें बेस्ट इंस्पेक्टर का अवार्ड भी दिया गया है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब उन लड़कियों की शादी नहीं करवा पा रही, अगर सेवादार वहां जाकर उनसे बात करें तो आप जी की रहमत से शुभ देवी बनकर। कहां दिल्ली की कमला मार्केट की SHO सुरेंद्र कौर, लिखिए भाई, नोट करें और जिम्मेवार कॉन्टेक्ट करें उनसे और अपने उनकी सबकी शादियां करवाएंगे। शाबाश बेटा, वेल्डन, आपने ये बहुत बढ़िया खबर दी है, और वो इंस्पेक्टर सहवाइना से आप बात कीजिए कि वो यहां आ जाएं और जिम्मेवार नोट कर लें। गुरुदेव इंसान श्री BC कनाडा से, लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी कुछ दिन पहले मैं ट्रक लेकर हाईवे पर जा रहा था और बारिश बहुत तेज हो रही थी, अचानक गाड़ी अनकंट्रोल हो गई, मैंने आप जी का नारा लगाया और आप जी ने ख्याल दिया कि ब्रेक नहीं लगाने क्योंकि मेरे पीछे एक बड़ा ट्रक बहुत तेज स्पीड से आ रहा था, अगर मैं ब्रेक लगाता तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, परंतु आप जी के नारे ने मेरी जान बचा दी, आप जी सात समुद्र बैठे हम पर अपनी रहमत बनाए रखते हैं, इसी तरह रहमत रखना जी। जी बेटा, जिनको दर्ज कीन है मालिक सात समुद्र पार, उसके लिए कोई समुद्र पानी, क्योंकि वो तो आपके अंदर ही रहता है, तो हर जगह हर पल हर समय संभाल करता है, सो दृढ़ यकीन रखिए, सुमन कीजिए, मालिक को याद करते रहिए, सो मालिक ने रहमत की, अच्छे कर्म कीजिए, आशीर्वाद।
सात संगत इटली से लाइव मैसेज प्रेरिता जी, इटली के सात संगत ने बेरगामो इटली में आप जी के रहमत से सफाई अभियान किया जो कि बारिश के बावजूद भी चलता रहा। सात संगत को सफाई के लिए 3.5 घंटे का समय मिला था जिसे सात संगत ने आप जी के रहमत से 2 घंटे में ही पूरा कर दिया और इस अभियान में सात संगत 700 किलोमीटर से भी दूर से पहुंची जिसे सुनकर वहां का प्रशासन दंग रह गया और आगे भी सफाई अभियान की मंजूरी दे दी और कहा कि इससे यहां के लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी सफाई रखनी चाहिए क्योंकि इंडिया की वेलफेयर सोसाइटी शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हमारे देश में सफाई कर रहे हैं और आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने किया। इस कार्य से प्रभावित होकर यहां की एक संस्था रेंजर इटालिया ने हमारे साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया है और वहां के एक ऑफिसर ने कहा कि मैं ऐसे गुरु जी से मिलना चाहूंगा जिन्होंने आपको मानवता भलाई के कार्य करने के लिए प्रेरणा दी है। सफाई अभियान की फोटो और वीडियो स्क्रीन पर है जी, पहले आप फोटो और वीडियो दिखा दीजिए, सत्संग देख सकती है। इटली में सफाई महाभियान हुआ, ये सारे सेवादार कितना गंदा नाला है। भारत को वैसे डर्टी इंडिया कहते थे, वैसे डर्टी तो बहुत जगह भी है, ये देख लीजिए वैसा ही है नजारा आप जहां दिल्ली में या कहीं देखा करते हैं सफाई महाभियान के दरमियान, उस दौरान जो आप देखते हैं यहां भी नजर आ रहा था। तो oltre a ringraziarvi molto, ho visto che il lavoro che avete fatto molto bello, molto ordinato e tutto, quindi la prossima che ci sarà senz'altro la faremo fare tutta a voi, quindi così almeno anche Spirano si accorge che una comunità è entrata quasi a far parte del comune, perché praticamente la maggior parte abita a Spirano per la meta. Quindi ancora ringraziamenti da parte mia, da parte del sindaco, dall'assessore, dai due assessori presenti. Complimenti a tutti. Bravo. Grazie. Sette anni di Grand S del fare Porsche. Va bene. जी, तो ये अपने इटली में सफाई महाभियान के दरमियान वहां के नागरिक या कोई ऑफिसर जो भी थे तो वो इसकी तारीफ भी कर रहे थे और शास्त्रामी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग का नाम भी पढ़ के बोल रहे थे। सो बहुत बड़ी बात है सेवादारों, जो आप विदेशों में भी अलग जगाए हुए हैं, सो मालिक भी इंतहा खुशियां थे, बहुत आशीर्वाद। सात यूएई लाइव मैसेज प्रेरिता जी, यूएई के सात संगत ने बेपरवा शाह मस्ताना जी महाराज के पावन अवतार माह की खुशी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है जिसमें 61 यूनिट ब्लड डोनेट किया है और पाकिस्तान इस्लामिया स्कूल छूजी रहे यूएई में 55 पौधे लगाए और स्कूल की सफाई भी की है। स्कूल के प्रिंसिपल ने आप जी की रहनुमाई में शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों की बहुत सराहना की। ब्लड डोनेशन व पौधारोपण की कुछ फोटो स्क्रीन पर भी मौजूद है जी, यूएई की भी दिखा दीजिए भाई अगर उपलब्ध है। तो ये ब्लड डोनेशन वहां हो रहा है यूएई में, सात संगत ब्लड डोनेट कर रही है, तो इतने लोगों ने वहां खूनदान किया है, सेवा की है, पौधे लगाए हैं, तो बेमिसाल बहुत बड़ी बात बेटा, बहुत आशीर्वाद। और इटली में अभी जो एक बात रह गई थी, उन सेवादारों ने बोला था कि पिताजी वहां की कोई संस्था है जो साथ मिलके ये काम करना चाहती है, तो वेलकम, आप यहां कांटेक्ट कीजिए, यहां के लोग जो जिम्मेवार है नोट कर लें, उनसे कांटेक्ट कीजिए और फिर उनको बता के कि हम इकट्ठे मिलके सेवा कर लें, तो वेल डन, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर कोई संस्था वहां की हमारे साथ मिलके सेवा करना चाहती और वो कह रहे थे गुरु जी से मिलना है, तो आए, मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आए और मिले, आके जब मर्जी आ जाए, आशीर्वाद। सात संगत पेरिस फ्रांस से लाइव मैसेज प्रेरिता जी, बेपरवा शाह मस्ताना जी महाराज के पावन अवतार माह की खुशी में पेरिस के सात संगत ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है जी, केले जूस है, हलवा है, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं। तो पेरिस फ्रांस में भी सात संगत ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है, बहुत आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, सेवा समय मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, तंदुरुस्ती दे मालिक, घर में खुशियां दे, आशीर्वाद, प्रसाद बन गए। आखिरी प्रति है जी, सात संगत न्यूजीलैंड से, ये भी लाइव मैसेज है प्यारिता जी, न्यूजीलैंड के सात संगत को आप जी के नाम व शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फॉर स्विंग के नाम पौधारोपण व नदी को साफ करने के लिए कीप वाइट करे ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टोटारा रनर अप अवार्ड से सम्मानित किया गया है जी, वीडियो स्क्रीन पर है जी, दिखा दीजिए, ये न्यूजीलैंड में है। The Green S Force have worked hard through the year with the Friends of the Bow at a range of tasks and sites in the Pro Catchment.
The team are highly motivated. We're keen on our own highlights. They have pulled tons of rubbish from the Bow River in difficult, muddy ground and planting some of our most difficult ground on the Rosebank Peninsula. They are a pleasure to work with and are failingly upbeat and generous with their time and resources. Welcome. तो ये न्यूजीलैंड में शासन की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग को वहां सम्मानित किया गया सेवादारों को और वहां अवार्ड दिया गया, तो बहुत बड़ी बात है बेटा, शाबाश। न्यूजीलैंड की साथ संगत आगे से आगे बढ़ती जा रही है विदेशों के अगर देखें तो, क्योंकि वहां कई सफाई महाभियान हो चुके हैं, उनमें अवार्ड मिल चुका है और अब फिर अवार्ड उनको दिया गया, तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पूरी नदी को साफ कर दिया। और सभी कंट्रियों से जो लोग सुन रहे हैं सत्संग, पूरे वर्ल्ड में ये सत्संग जा रहा है पूरी दुनिया में, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप अपने अपने देशों में जो भी कोई ऐसी संस्था है आपसे जुड़ना चाहती है तो उनका कॉन्टेक्ट यहां करवाइए, बात करवाइए जिम्मेवारों से, और फिर आप तालमेल के साथ चलें। हमें लगता है वो और भी बेहतर होगा, वो आपसे जुड़ेंगे तो वो भी सीखेंगे और उस देश का भी भला और ज्यादा होगा। हमारे ख्याल से उनको आप साथ जोड़ के चलें तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। आशीर्वाद मालिक खुशियां दे, सेवा सुनने मन लगे, प्रसाद बन गया जो आपने रख रखा है, मालिक खुशियां दे। तो प्यारे सत्संग जी, हमारे सामने एक कटिंग है। नासा साइंस केंद्र ने यह भी मान लिया कि पृथ्वी जैसी 40 अरब ग्रह हैं। आपको कहा करते थे कि हमारे धर्मों में लेकर सैकड़ों हजारों जगह जिंदगी और है, शायद आपने सत्संग में सुना होगा कभी, हमसे जो सत्संग में लगातार अटेंड करते हैं। जी जी, आपने जी सत्संग ने सुना है, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। जी जी, तो आज नासा साइंस केंद्र भी ये मान चुकी है कि ऐसी 40 अरब ग्रह हैं, लो मान लो जी इतने ग्रह हैं यहां जिंदगी हो सकती है, तो ये पृथ्वी जैसे 40 अरब ग्रह यहां जीवन संभव है।